को मेरी राम राम। मैं डॉक्टर विकास पुनिया आज गांव जीतपुरा दुई भिवानी आया हुआ। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कीट विज्ञान के ऊपर, पौधे और जो कीड़े हैं उनका क्या रिलेशन होता है। पहली बात तो ये जो पौधा है ना जी, ये अपना जो भोजन है, यानी कि मान लो इसको 3 ग्राम की जरूरत है तो ये 5 ग्राम बनाएगा। वो जो 2 ग्राम है वो इमरजेंसी के लिए है, मान लो कोई कीट आ गया, सफ़ेद मक्खी आ गई, उसको थोड़ा बहुत रस दे दिया। जितने भी कीड़े हैं वो सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए आते हैं, चाहे सफ़ेद मक्खी हो, हरियातेला हो, थ्रिप्स हो। दिक्कत कहाँ होती है, जहाँ हम जहर की स्प्रे मार देते हैं। जैसे ही आपने जहर की स्प्रे मारी, उसी प्रकार से आपकी जो सफ़ेद मक्खी है वो अपने अंडे जितने 100 दे हुए हैं तो वो 250-300 हो जाऊँगी। सारे जो जितने भी कीट हैं वो ऐसे ही अपने अंडों की संख्या बढ़ा देते हैं। जो हमारे नेचुरल कंट्रोल होते हैं जिसे हम कहते हैं मित्र कीट, वो भी जहर की स्प्रे से मर जाते हैं और असली कंट्रोल वही करते हैं। अभी कुछ किसान साथियों का फ़ोन आ रहा था गुलाबी सुंडी, मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ वैसे तो गुलाबी सुंडी आती कम है, लेकिन जहाँ पर ये भी खास बात देखी है, जहाँ पर जहर ज़्यादा लगती है, जो अपना कॉटन बेल्ट है, जैसे सिरसा, फतेहाबाद, आगे आप हनुमानगढ़, गंगानगर या पंजाब की साइड जाओगे, वहाँ पर गुलाबी सुंडी ज़्यादा मिलेगी। देखो उसके 2 कारण हैं किसान साथियों। एक तो 2021 में जो गुलाबी सुंडी आई थी उसका उस समय कोई भी नेचुरल कंट्रोलर नहीं था, यानी जो प्राकृतिक रूप से उसको कंट्रोल कर सकता, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से गुलाबी सुंडी थी नहीं तो उसको खाने वाला भी नहीं था। तो एकदम से वो आ गई तो उसको खाने वाला था नहीं और हमने देश बिना का जहर छिड़का, जो भी स्प्रे हो सकती थी महंगी से महंगी वो जहर की स्प्रे मारी। अगर जहर से कंट्रोल होता तो 2021 में ही हो जाता। तो अभी किसान साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि जी गुलाबी सुंडी लगी। एक तो हमारा जो अगेता नरमा है उसमें नीचे टिंडे ज़्यादा है, जो भी पौधे के पास ज़्यादा चीज़ होगी, अगर रस ज़्यादा है तो वो रस उसे कीट को बुला लेगा, अगर टिंडे ज़्यादा हैं तो वो टिंडे खाने वाले जो कीड़े हैं गुलाबी सुंडी को बुला लेगा। तो गुलाबी सुंडी से बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपको क्या करना है, जो जहाँ पर गुलाबी सुंडी आती है यहाँ पर ज़्यादा जहर का अगर छिड़का होता है, वहाँ पर आप 10,000 ppm का नीम तेल लें, उसकी 1 ml की डोज लें। उससे क्या होगा, जैसे ही मान लो आपकी गुलाबी सुंडी पैदा हो कोई भी, उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, अगर आपने नीम का तेल की स्प्रे कर दी वो हो जाएगा खारा। खारा हो जाएगा तो जो उसका अंदर की जो डाइजेस्टिव है ना सिस्टम वो हो जाएगा फैल, तो वो वहाँ पर मर जाएगी और जो बचेंगी गुलाबी सुंडी उसको अपने मित्र कीट खा देंगे। तो जहर मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ खुराक के ऊपर ध्यान दो। कीड़े मारने की मिट्टी नरमा में कोई जरूरत नहीं है। अगर जहर से ख़त्म होंगी तो अपना सफ़ेद फाका ख़त्म हो जाएगा। एक बार मिली बग आया था और 2021 में अपनी गुलाबी सुंडी आई तो ख़त्म ही हो जाते जहर से मरते। तो जो मारेंगे वो अपने सिर्फ मित्र कीट मारेंगे जी, तो जहर आप ही नहीं गिराएंगे अगर, पक्का है। तो भाई सभी किसान साथियों धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ।